नंबर वन रामलला दुर्गा पूजा समिति धुरुआ। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची शहर में पहली बार अयोध्या के नव निर्मित श्री राम मंदिर के प्रारूप में श्री रामलला के दर्शन, 4D में 26 फीट के विशाल श्री बजरंग बली के दर्शन सहित मां भवानी का भी दर्शन आप दशहरा में कर पाएंगे। झारखंड के इतिहास में पहली बार 95 लाख का पूजा पंडाल स्थापना के प्रथम वर्ष में ही बनाया गया है। रामलला पूजा समिति का गठन इसी वर्ष किया गया है और अपने पहले ही वर्ष में लगभग 95 लाख की लागत से अयोध्या के नव निर्मित श्री राम मंदिर का हूबहु प्रारूप रांची के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, जोहार, मैं आनंद कुमार महतो और आप सभी को तहे दिल से एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए जानते हैं कि कहां से कितनी दूरी में है ये पंडाल और किस तरह से व्यवस्था है, सारा जानकारी मैं देने वाला हूं, तो बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं रांची के नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल में, जो कि इस बार धुरुआ में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, पकरी बाजार नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि धुरुआ में इस बार रांची का नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है और श्री राम मंदिर अयोध्या के तर्ज पर यह दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, तृतीया के दिन ये दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना लाखों की संख्या में भक्तगण इस वर्ष यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, इसकी दूरी रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है और आप यहाँ पर ऑटो से पहुँच सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी दूर पहले ही उतर जाएं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तृतीया चतुर्थी से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो आप 1 किलोमीटर पहले ही हिनू चौक से थोड़ा सा आगे आप बिरसा चौक के पास उतर जाएं और वहाँ से फिर आप पैदल ही इस दुर्गा पूजा पंडाल में जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। दोस्तों ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये बजरंगबली की विशाल मूर्ति जो कि 26 फीट की है, कारीगरों के द्वारा बनाई गई है, जो कि भक्तगणों को काफी पसंद आ रही है। श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति के बैनर तले बनाए गए इस खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल का ये प्रथम वर्ष ही है और पहले ही साल में इसने 95 लाख की लागत से ये भव्य पंडाल बना डाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप नज़दीक से इस पंडाल के दर्शन करेंगे तो आपको हूबहू अयोध्या के श्री राम मंदिर जैसा फीलिंग आएगा। राम जी की प्रतिकृति सामने लगाई गई है जबकि माता दुर्गा को अंदर में विराजमान कराया गया है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये पंडाल के अंदर का दृश्य है और यहाँ की जो नक्काशी है वो काफ़ी भव्य तरीके से की गई है और बिल्कुल हूबहू जैसा कि अयोध्या श्री राम मंदिर में आपको नक्काशी देखने के लिए मिलता है, ठीक उसी प्रकार से नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चाहे पंडाल का फर्श हो, छत हो, दीवार हो, हर चीज़ में आपको अयोध्या का हूबहू प्रारूप देखने के लिए इस वर्ष आपको मिलेगा। दोस्तों अपने पहले ही वर्ष में इतनी शानदार थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने वाले इस समिति को काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है और काफ़ी वीडियो इनके वायरल हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, माता रानी की कितनी भव्य स्वर्णिम प्रतिमा लगाई गई है, क्या अद्भुत दृश्य है, वाह। ऐसा तो साल में सिर्फ एक बार ही होता है दोस्तों, इसलिए इस बार आपको यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल में जरूर आना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप भी रांची या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो रांची के नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल यानी कि अयोध्या श्री राम मंदिर का प्रारूप जिस समिति ने बनाया है, उस पंडाल में इस वर्ष जरूर आए, आप भी आए और अपने परिवार के साथ भी आए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर कर दे कि हर रांची वासी, हर झारखंड वासी के पास ये वीडियो पहुंच जाए।
दोस्तों अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अमेजिंग अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अगली वीडियो आप कहाँ की देखना चाहते हैं वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।